हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशीष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राजपूत टेक में। इस वीडियो में आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं जेबोनिक्स कंपनी से जेब 750, जो कि कॉम्बो आता है कीबोर्ड और माउस का। इसको आज हम अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये कॉम्बो आपको बहुत ही सस्ता देखने को मिलेगा। इससे सस्ता आपको कोई भी कीबोर्ड और माउस देखने को नहीं मिलेगा। इसके कुछ अब मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ जो डिब्बे के पीछे लिखे हुए हैं। तो अगर बात किया जाए कीबोर्ड का, तो यहाँ पे आपको प्लग एंड प्ले का यूएसबी इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 104 की आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको एक रूपी वाला सिंबल भी देखने को मिल जाएगा, और इसमें लिख रखे हैं इन्होंने कि आपको ड्यूरेबल की मिलेगा, ज़्यादा टिकाऊ की मिलेगा, कि आपका बटन ज़्यादा दिन तक काम करेगा। और बात की जाए माउस के बारे में, तो यहाँ पे आपको यूएसबी इंटरफेस का प्लग एंड प्ले देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 3 बटन माउस में देखने को मिलेगा, लेफ्ट राइट और ड्रैग वाला बटन। बात की जाए वायर के लेंथ के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1.1 मीटर का लेंथ देखने को मिल जाएगा, और कीबोर्ड में आपको 1 मीटर का लेंथ देखने को मिलेगा। तो इससे ज़्यादा डिटेल आपको इनके बॉक्स पे देखने को नहीं मिलेगा, जो था मैंने आपको बता दिया। बात की जाए इसके प्राइस की, तो बॉक्स पे प्राइस लिखा हुआ है 700 रुपये, लेकिन ये आपको 250 से 300 रुपये के बीच में आपको मिल जाते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपको ख़रीदना कहाँ से है, ताकि आप भी एक सस्ती डील ले सकें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको पता चल जाएगा आपको इतने सस्ते में कहाँ से ख़रीदना है और कैसे ख़रीदना है। तो मैंने इसको अनबॉक्स कर दिया, ये रैपर में आ रखे हैं, बगल में इसके माउस रखा हुआ है, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये आपको जेबोनिक्स का जुड़वा 750 कॉम्बो कीबोर्ड प्लस माउस का आपको 250 से 300 के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो करते हैं इसका रिव्यू, करते हैं इसके बॉक्स को साइड में, निकाल देते हैं इसके रैपर, उसके बाद हम आपको बताते हैं ये वर्क कैसे करता है, ये कितना अच्छा है, कितना टिकाऊ है, क्या आपको इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो करते हैं इसका रिव्यू। आप इसका एक फ्रंट लुक देख सकते हैं, देखने में तो ये एकदम अच्छा लग रहा है, जैसे नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं एकदम सेम वैसे ही लग रहे हैं। इसके जो नंबरिंग है उस पर जो लेटर मेंशन किए हुए हैं कीबोर्ड के, जो लेटर प्रिंट हैं वो सारे एकदम क्लियर हैं। सारे बटन यहाँ पे आपको दे रखे हैं, नंबर की हो अल्फ़ाबेट की हैं, उसी के साथ आपको यहाँ पे रूपी का सिंबल भी आपको देखने को मिल जाएगा। अपने कीबोर्ड में आप इसका भी यूज कर सकते हैं, मोस्टली कीबोर्ड में ये नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको ये भी दे रखे हैं। साथ में आप इसके बिल्ड डिज़ाइन आप देख सकते हैं, जो क्वालिटी इन्होंने दे रखा है आप देख सकते हैं। अभी तो ये मुझे एकदम ठीक ठाक लग रहा है, एक अच्छा कीबोर्ड मुझे देखने को लग रहा है, लेकिन अगर आप इसके की को प्रेस करते हैं तो वहाँ पे आपको एक साइलेंट साउंड सुनने को मिलेगा, कोई भी आपको मशीन साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, जो कि महंगे कीबोर्ड में आते हैं। और बात की जाए कीबोर्ड के बैक साइड की, तो बैक साइड में आपको 2 स्टैंड देखने को मिल जाते हैं, जिसको ओपन करके आप अपने कीबोर्ड को हल्का सा लिफ्ट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप इसका यूज कर सकते हैं। और बात की जाए इसके वेट की, तो यहाँ पे आपको 386 ग्राम का आपको देखने को मिलेगा ये कीबोर्ड। और अगर आपके पास भी मेरे जैसे कंप्यूटर लैपटॉप पीसी कुछ नहीं है, तो आप अपने मोबाइल से भी इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए आपको एक OTG केबल, जिसको आप कनेक्ट करेंगे अपने कीबोर्ड से, और उसका दूसरा एंड आपको कनेक्ट कर देना है अपने मोबाइल से, उसके बाद आप इस कीबोर्ड का यूज कर सकेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करेगा। बस आपको कनेक्ट कर देना, उसके बाद ये काम करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल का नोट्स ओपन कर दिया है, और यहाँ पे मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, टाइप करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइपिंग शुरू हो चुका है। तो ये मेरा परफेक्ट काम कर रहा है मेरे मोबाइल में, ये आप सभी के मोबाइल में काम करेगा, बस आपके मोबाइल में OTG सपोर्ट होना चाहिए। फ़िलहाल तो मेरे पास अभी कोई PC लैपटॉप कंप्यूटर तो है नहीं, इसीलिए मैं आपको अपने मोबाइल में डेमो दिखा रहा हूँ, ताकि आप कंफर्म हो सके कि ये आपके मोबाइल में भी काम करेगा, आपके लैपटॉप PC कंप्यूटर में भी काम करेगा। अगर आप एक बिगनर हैं मेरे जैसे, अपने कीबोर्ड के टाइपिंग स्पीड को इनक्रीज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्टिंग कर सकते हैं, एक बजट कीबोर्ड लेके वहाँ से अपने टाइपिंग स्किल्स को इनक्रीज कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको कीबोर्ड की सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बात करते हैं इसके माउस के बारे में। माउस भी आपको यहाँ पे एकदम सिंपल देखने को मिल जाता है, 3 बटन वाले, लेफ्ट राइट और स्क्रॉल बटन, और माउस के सेंटर में आपको जेबोनिक्स कंपनी का लोगो देखने को मिल जाता है। तो कुछ यही है हमारा एक सिंपल सा माउस।
अगर बात की जाए इस माउस के केबल के बारे में, यूएसबी केबल के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल सा वायर देखने को मिल जाता है। ये कोई ब्रेडेड वायर नहीं है, लेकिन क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन अच्छे भी नहीं है उतने। आप इसको नॉर्मल यूज के लिए ले सकते हैं। और बात की जाए इस माउस का जो वेट है, ये आपको 70 ग्राम देखने को मिलेगा। साथ में ये तीनों बटन आपको प्रेस करने पे एक माउस वाली फीलिंग आ जाएगी, ये अच्छे लगेंगे। साइड में आपको ग्रिपिंग के लिए एक अच्छा मैट फिनिशिंग दे रखा है, जो आपको बहुत अच्छा फील आएगा जब आप इसको माउस को होल्ड करेंगे। पीछे के साइड आपको इसके लोगो देखने को मिल जाएंगे और साथ में लाइट और उसके सेंसर। और कुछ तो नहीं इसमें, कुछ खास तो होता नहीं है माउस में, तो यही है हमारा एक सिंपल सा माउस। इसको भी हम कनेक्ट करके आपको दिखा देते हैं अपने मोबाइल से। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है, अब इसे हम अपने मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे माउस का कर्सर आपको देखने को मिल जा रहा होगा हमारे मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं अपने मोबाइल को अपने माउस से कंट्रोल कर रहा हूँ। हल्की फुल्की दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये एक मोबाइल है और लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है तो यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रॉल बटन भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेफ्ट राइट सारे बटन यहाँ पे आपके काम करेंगे। मज़े की बात बताऊँ तो जब मैंने अपने कीबोर्ड को अपने माउस से कनेक्ट किया उस समय मुझे उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन जब मैंने अपने माउस को अपने मोबाइल से कनेक्ट किया, कंट्रोल किया, तो इसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है इसको क्लिक करने में। आप भी इसको ट्राई करिएगा, आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस माउस में मैनुअली आपको 1200 DPI का स्पीड कर्सर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। जो निगेटिव पॉइंट हैं वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अगर बात की जाए इसके कीबोर्ड के बारे में, तो ये ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, टूटने का डर रहता है। अगर आप ज़्यादा बेंड हो जाता है तो ये टूट सकता है, ये देख सकते हैं ये कितना फ्लेक्सिबल है। अगर ये कहीं ऊपर नीचे रखा के कहीं दब जाता है तो ये टूट सकता है। बात की जाए इसके केबल का, यूएसबी केबल के बारे में, अगर ये ज़्यादा बेंड होता है तो इसमें भी क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं इनके वायर में, क्योंकि ये ब्रेडेड वायर नहीं है। और बात की जाए माउस के बारे में, तो माउस में भी आपको वही यूएसबी केबल देखने को मिल जाएगा, वही वायर आपको देखने को मिलेगा, ये भी ब्रेडेड वायर नहीं है। ये भी ज़्यादा बेंड होने पर इसमें क्रैक्स आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको जेबोनिक्स का जुड़वा 750 का पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट दोनों बता दिया है। अगर आपको इसे खरीदना हो, बाय करना हो, तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बाय कर सकते हैं। तो मैंने इसे बाय किया था अमेजोन से, जो कि मुझे पड़ गया था 300 रुपये का। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बगल में दिए गए घंटी को भी दबा लें, ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।